أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. आज का जो हमारा पेपर है वो हम फरवरी मार्च 2018 का पेपर 4-2 देखने वाले हैं, ठीक है। सो ये जो है पेपर 4 है, यानी कि ये A2 का पेपर होता है और इसका जो टाइम होता है वो होता है 2 आवर्स, ठीक है। और हमें 2 आवर में पेपर करना है। एडिशनल मटेरियल जो रिक्वायर्ड है इस पेपर में वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है डेटा बुकलेट, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम जो है वो आगे आते हैं और हम जो है वो यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा, तो यहाँ पे वो कहता है हमें, स्टेट हाउ सॉल्युबिलिटीज ऑफ द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स वेरी डाउन द ग्लोब। तो जी कैसे वेरी होते हैं, हम ये कहते हैं कि इट इंक्रीजेस डाउन द ग्लोब, ठीक है। खैर ये डाउन द ग्रुप जो होता है ना वो इसकी इंक्रीज हो रही होती है। दूसरा बात जो है वो है एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वेरिएशन, ये काम हो क्यों रहा होता है, तो उसके बारे में जरा आप सोचिएगा। 3 मार्क्स में आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, सोचिएगा जरा। अच्छा जी, तो इसमें जो है वो अब हम ये लिखते हैं कि द डेल्टा एच हाइड्रेशन जो है बिकम्स लेसर एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक ड्यू टू इंक्रीज इन आयोनिक रेडियस, टू इंक्रीज इन आयनिक रेडियस किसका, ऑफ द मेटल आयन। इसके अलावा क्या बात हो सकती है, उसके अलावा हम ये लिख सकते हैं कि ड्यू टू एन इंक्रीज इन टू एन इंक्रीज इन साइज ऑफ कैटाइन्स द लैटिस एनर्जी, द मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी, मैं लैटिस एनर्जी को सिर्फ एल ई लिख रहा हूँ, आपने प्रॉपर लैटिस एनर्जी पूरा लिखना है, लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्लोब, डिक्रीजेस डाउन द ग्लोब। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि जो डेल्टा एच सॉल्यूशन है इट बिकम, ये आप आगे और खुद लिखिएगा, मैं सिर्फ बता देता हूँ। इसके अलावा आप ये लिख सकते हो कि जो डेल्टा एच सॉल्यूशन जो है इट बिकम्स मोर एक्सोथर्मिक, या आप लिख सकते हो कि इट बिकम्स लेसर एंडोथर्मिक। उसके अलावा हम ये लिखते हैं कि द लैटिस एंथैल्पी जो है इट डिक्रीजेस एज मच फास्टर देन डेल्टा एच हाइड्रेशन, ठीक है। सो इस तरह आपने इसके 3 मार्क्स पूरे कर लिए। आगे चलते हैं और वो कह रहा है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ SrOH2 इज 3.37 × 10⁻²⁺ मोल पर डीएम क्यूब एट 0°C। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ SrOH2। सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हम कहते हैं कि SrOH2 जब डिकम्पोज होगा तो Sr2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव बनाएगा, ठीक है। अब इसकी KSP की इक्वेशन जब लिखेंगे तो Sr2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव और 2 जो है वो पावर में आ जाएगी, ठीक है। अब जो है वो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ KSP, उसने तो यहाँ पे बता ही दिया है कि सॉल्युबिलिटी जो है वो 3.37 × 10⁻²⁺ है। सो KSP जो है वो आपके पास 3.37 × 10⁻²⁺ और दोबारा 3.37 × 10⁻²⁺ स्क्वायर वे है। तो आपके पास आंसर क्या है, कैलकुलेट करके मैं अभी बताता हूँ। जी जो हमारे पास फाइनल आंसर आता है वो है 3.827 × 10⁻²⁵, यानी कि 3.83 × 10⁻²⁵, राउंड ऑफ करके 83 × 10⁻²⁵। यूनिट्स क्या है जी इसके, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर, तो मोल 3 dm-9, ठीक है। तो ये है, समझ हो गया, आ गया।
अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। तो इसमें ये कह रहा है कि मेटल पेरोक्साइड्स कंटेन द ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव आयन। द पेरोक्साइड्स ऑफ ग्रुप टू मेटल एलिमेंट्स एम ओ टू डीकम्पोज ऑन हीटिंग टू प्रोड्यूस अ सिंगल गैस एंड द सॉलिड ऑक्साइड एम ओनली। राइट इन इक्वेशन फॉर द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ स्ट्रॉन्शियम पेरोक्साइड। एस आर ओ टू जो है वो बेसिकली एम ओ टू है, ठीक है। इसकी जब वो कह रहे हैं थर्मल डीकम्पोज सिंगल गैस और एम ओ, यानी कि आपके पास एक प्रोडक्ट एस आर ओ होगा और दूसरा प्रोडक्ट ओ टू होगा। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे टू लगा दें और यहाँ पे टू लगा दें, ठीक है। हाँ जी, अब वो कह रहा है कि सजेस्ट हाउ द टेम्परेचर एट विच द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ एम ओ टू अकर्स वेरीज डाउन द ग्रुप टू। बेसिकली थर्मल डीकम्पोजिशन का सवाल है, जब आप ग्रुप टू के नीचे जाते हैं तो थर्मल डीकम्पोजिशन को क्या होता है, डिक्रीज होती है। डिक्रीज होने का ये मतलब है कि टेम्परेचर जो है वो भी डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि अब लेस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली जब डाउन द ग्रुप थर्मल डीकम्पोजिशन डिक्रीज कर रही है तो लेस टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा उसको करने के लिए, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, ठीक है। अब उसके रीजन जो है वो आप लिख सकते हो कि क्या हो सकते हैं कि यार जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो कार्बोनेट आयन जो है उसकी जो आयनिक रेडियस है उसका रिलेटिवली लार्ज है, सो इट इज इजीली पोलराइज्ड बाय अ स्मॉल हाईली चार्ज्ड कैट आयन। इसके अलावा आप लिख सकते हो कि द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैट आयन डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन आयनिक रेडियस, तो वो टेम्परेचर डिक्रीज करता रहता है। अब जो है वो नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, वो कह रहे हैं द इथेन डाइऑक्साइड ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट्स Mc2O4 डीकंपोज ऑन हीटिंग टू प्रोड्यूस प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट गैसेस एंड द सॉलिड ऑक्साइड MO। कंप्लीट द इक्वेशन। तो BaC2O4 को करेंगे तो आपके पास BaO बनेगा, CO बनेगा और CO2 बनेगा, ठीक है। अब देख लो ये बैलेंस हो गई है, 2, 3, 4 में के दो कार्बन है, ठीक है, बैलेंस है। अब वो कह रहे हैं कि डिस्क्राइब टू ऑब्जर्वेशंस यू वुड मेक ड्यूरिंग द रिएक्शन विद इथेन डायोक एसिड। H2C2O4 इज बॉर्न विद एसिडिफाइड मैंगनेट 7 आयंस। अब एसिडिफाइड मैंगनेट 7 आयंस के साथ तो पहली ऑब्जर्वेशन जो है वो ये हो सकता है कि द KMnO4 विल डीकलराइज, ठीक है, पर्पल टू कलरलेस चला जाएगा। KMnO4 का क्या कलर होता था, पर्पल टू कलरलेस जाता था, और K2Cr2O7 ऑरेंज टू ग्रीन। दूसरी ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या हो सकती है कि बबल्स ऑफ गैस आर सीन, कि कोई गैस जो है वो बनेगी तो उसकी बबल्स ऑफ गैस आर सीन, फिजिंग होगी या एफरवेसेंस होगी। सो इस किस्म की कोई आप फिनोमेना लिख सकते हैं। ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें आई एम श्योर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ये हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। वो कह रहा है डिस्क्राइब द ट्रेंड इन द रिएक्टिविटी ऑफ द हैलोजन्स Cl2 हो गया, Br2 हो गया, I2 हो गया एस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड एक्सप्लेन दिस ट्रेंड यूजिंग द वैल्यू ऑफ ई नॉट फ्रॉम डेटा बुकलेट। यार तो हम इसके लिए कहते हैं, देखो Cl2, Br2 और I2 को पहले डेटा बुकलेट में थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हैं कहाँ पे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो है वो आपके पास Cl2 तो ये है पॉजिटिव 1.36। अब जो है वो Br2 को देखते हैं, Br2 का है आयोडीन भी देख लो वो मिलता है, ये आयोडीन है, ठीक है, पॉजिटिव 0.54। अब Br जो है वो ये है जी, ये Br2 पॉजिटिव 1.07। अब यार देखो क्या हो रहा है, Cl क्या है पॉजिटिव 1.36 है। देखो बेसिकली Cl जो थी Cl2 Cl नेगेटिव पॉजिटिव 1.36, हमने कहा ब्रोमीन क्या है 1.07, Br2/Br- पॉजिटिव 1.07 और I2/I नेगेटिव जो है वो
पॉजिटिव 0.54, ये इसकी ई नॉट की वैल्यूज हैं। डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो वो क्या हो रही है, लेस पॉजिटिव हो रही है, तो वो लेस रिएक्टिव है, इसका मतलब है। ठीक है, तो हम ये लिखते हैं कि द ई नॉट वैल्यू, ई नॉट वैल्यू फॉर एक्स टू स्लैश एक्स नेगेटिव बिकम्स लेस पॉजिटिव less positive, so the halogens are less reactive as oxidizing power decreases down the group. ठीक है, समझ आ गई। अगला पार्ट देखिएगा, तो उसमें वो कह रहे हैं कि राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन क्लोरीन एंड वाटर। सो यार Cl2 प्लस H2O तो क्या बनेगा आपके पास, HCl प्लस HClO। ठीक है, तो ये तो रिएक्शन आपको पता ही है। अब भाई वो आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि द यूज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट वैल्यूज फ्रॉम द डेटा बुकलेट टू कैलकुलेट ई नॉट सेल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। Cl2 plus 2OH negative, Cl negative, दो equations कौन सी हैं इसमें, Cl2 Cl negative वाली, एक Cl2 Cl negative में जा रहा है, ये sorry, ये O2OH negative जो है वो कहाँ जा रही है, ClO negative plus H2O में। ठीक है, identify करो कि ये equations कहाँ में है। जी एक तो ये सीएल वाली इक्वेशन हमने ये यहाँ पे आइडेंटिफाइड है, दूसरी कौन सी है, दूसरी ये सीएलओ नेगेटिव H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सीएल नेगेटिव 2OH पॉजिटिव 0.89 वाली। ठीक है, तो इसकी क्या होगी ई नॉट सेल की वैल्यू 1.36, कौन सी वैल्यू लेस पॉजिटिव है, 0.89 वाली, तो ये इसको फ्लिप हो जाएगी इक्वेशन, 0.89 इक्वल्स टू व्हाट इज द आंसर, पॉजिटिव 0.47 वोल्ट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, तो उसमें वो कह रहा है कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव वाज इंक्रीज्ड एज द ई सेल वाज मेजर्ड, इंडिकेट हाउ द वैल्यू ऑफ ई सेल मेजर्ड वुड कंपेयर टू द ई नॉट सेल कैलकुलेटेड इनटू प्लेसिंग वन टेक इन द टेबल एक्सप्लेन योर आंसर। अब वो कह रहा है कि यार OH की कॉन्सेंट्रेशन जो थी वो मैंने कर दी इंक्रीज। ठीक है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, हाँ जी, तो बेसिकली रिएक्शन जो है वो पीछे आएगा। ठीक है, बट कॉन्सेंट्रेशन आपने इंक्रीज जब की तो रिएक्शन जो था वो बैकवर्ड्स आया, लेकिन हम अब इसमें ये कहेंगे कि जबकि हमने ली चैटेलियर प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है तो हम कहेंगे कि उसको अपोज करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो ई नॉट सेल की जो वैल्यू होनी है वो मोर पॉजिटिव होनी है। सो हम कहते हैं कि ई सेल बिकम्स मोर पॉजिटिव देन ई नॉट सेल बिकॉज as concentration of OH negative ion increases reactant concentration equilibrium shifts, kahan shift hoga, equilibrium shifts towards the राइट हैंड साइड एंड साइड, हेंस ई नॉट ई सेल की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होती रहती है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि हाफ इक्वेशन इन्वॉल्विंग ब्रोमेट 5 आयंस BrO3 नेगेटिव एंड ब्रोमाइड आयन इज शोन। ठीक है, वो इक्वेशन शो कर दी ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव 0.58 वोल्ट्स है। ठीक है, एन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्लोरेट 1 CNO नेगेटिव कैन बी यूज्ड टू ऑक्सीडाइज ब्रोमाइड आयंस टू ब्रोमेट 5 आयंस, यूज द डेटा बुकलेट एंड द हाफ इक्वेशन शोन टू राइट एन इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। सो इसकी जो रिएक्शन होनी है वो क्या होनी है, CNO नेगेटिव कैन बी यूज्ड टू ब्रोमाइड आयंस। ठीक है, आओ इधर देखो, ब्रोमेट
Br negative BrO3 की इक्वेशन, ठीक है। BrO negative plus BrO3 अच्छा जी, CLO नेगेटिव की तो हमने मिल की क्लोरेट वाली है, प्लस Cl2O पॉजिटिव 0.89 वाली, बाकियों को मैं जो है ना वो ये कर दूंगा कि आप ये एक ये क्वेश्चन है। दूसरी जो है वो मैं एक सेकंड में दीजिए, मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही मुझे, है इधर ही, वेट करो, ऐसा हो नहीं सकता कि इसमें ना हो। कैसे हो सकता है यार, 2Br की ये होगी पॉजिटिव, ये तो नहीं है, अच्छा शायद ये डेटा बुकलेट पुरानी है, इसमें ना हो वो वाली इक्वेशन। लेकिन ये देख लो कि ई नॉट की वैल्यू उसने 0.58 दी हुई है, और ब्रोमेट आयंस की इक्वेशन ये वाली है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये यहाँ पे होगी, इसको होनी चाहिए थी यहाँ पे, लेकिन नहीं है। तो हम यहाँ पे बेसिकली ये इक्वेशन लिखते हैं, बी आर ओ थ्री नेगेटिव प्लस 3H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और हमने बनाया बी आर नेगेटिव प्लस 6OH नेगेटिव, इसकी 0.58 है, और जो सी एल वाली हमने आइडेंटिफाई किया वो 0.89 है, ठीक है। कौन सी ज्यादा लेस पॉजिटिव, ये वाली है, तो ये वाली इक्वेशन जो है इसको अब आपने कर देना है फ्लिप। तो इसको फ्लिप करते हैं आप, इसको फ्लिप करके लिखिए, हम लिखते हैं कि बी आर नेगेटिव प्लस 6OH नेगेटिव गिव्स अस बी आर ओ थ्री नेगेटिव प्लस 3H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। दूसरी इक्वेशन जो है वो आपके पास ये वाली है, सी एल ओ नेगेटिव लिख लोगे, CLO नेगेटिव प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस Cl नेगेटिव प्लस 2OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव प्लस 2OH नेगेटिव। कैंसिल हो रही हैं कोई चीज़ें तो कैंसिल करें उनको, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 3 Cl 3 2 6OH 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 नेगेटिव OH नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगी, बी आर नेगेटिव प्लस 3ClO नेगेटिव बी आर ओ थ्री नेगेटिव प्लस 3Cl नेगेटिव, ठीक है, समझ आ गई। अब इसको हम, हाँ अब आप सोच रहे हैं कि इसको हमने 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, 3 से इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया ताकि हम इसको आपस में इक्वेट करके कैंसिल आउट कर सकें जो चीज़ें कैंसिल आउट हो सकती है, ठीक है। कैलकुलेट द ई नॉट सेल फॉर द रिएक्शन इन वन, सो इसमें क्या होगा कि बेटा ई नॉट सेल है, हमने फ्लिप किसको किया था, पॉजिटिव 0.58 को ना, 0.89 माइनस 0.58 आंसर क्या आता है आपके पास, 0.31 वोल्ट, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि व्हेन अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमिक 5 एसिड HBrO3 इज फॉर्मड, इट डीकंपोजेस टू फॉर्म ब्रोमीन ऑक्सीजन एंड वाटर ओनली, राइट एन इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो HBrO3 जो है वो बनता है 2Br2 में साथ बैलेंस, ये 4 हो जाएगा प्लस 5O2 प्लस 2H2O, ठीक है बेटा, हमें दो दफा करवाते हैं पेपर तो याद हो जाता है कि ऐसे ही है, ठीक हो गया। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड HCN इज अ वीक एसिड इन एन एक्वस सॉल्यूशन, HCN डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव CN, ये वीक एसिड है, ठीक है, इसलिए उसने Ka जो है ना वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.1 मोल डीएम क्यूब ऑफ एच सी एन, सो एच पॉजिटिव हम फाइंड करते हैं पहले कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने के लिए आप ये इक्वेशन इस्तेमाल करके के ए
मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, के ए क्या है 6.2 × 10⁻¹⁰, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.110, ठीक है, और इस सारे का आपने लेना है अंडर रूट। तो एच पॉजिटिव की क्या आती है फाइनल आंसर एच पॉजिटिव का, −6 आता है, ठीक है। अब जो है पीएच फाइंड करो, माइनस लॉग एच पॉजिटिव की इक्वेशन, तो माइनस लॉग एच पॉजिटिव क्या है 7.87 × 10⁻¹⁶, आंसर क्या आता है 5.1, तो पीएच जो है वो आपके पास आती है 5.1, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ड्रॉ अ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू रिप्रेजेंट द बॉन्डिंग इन द हाइड्रोजन साइनाइड मॉलिक्यूल, शो द आउटर इलेक्ट्रॉन्स ओनली। सो कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, ये एच है, ये सी एन है, ये एन एन है। अब आपको पता है कि एच सी ट्रिपल बॉन्ड एन होता है, ठीक है। सो ये एक कार्बन का, दो कार्बन के और तीन मॉलिक्यूल्स कार्बन के इधर, एक इधर, ये हाइड्रोजन का क्रॉस है और नाइट्रोजन के 1, 2, 3, 4, 5। सो ये जो है ये आपके पास आ गया। अब वो कह रहा है स्टेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम्स इन हाइड्रोजन साइनाइड एंड गिव द HCN बॉन्ड एंगल, ठीक है जी। अब वो उसने डायरेक्ट पूछ लिया कि क्या सीन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन का। सो हम ये कहते हैं कि देखो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, जी कार्बन में क्या चीज है जो बॉन्डिंग कर रही है, एक एस है और एक पी ऑर्बिटल है, ठीक है। एस और पी ऑर्बिटल कर रहे हैं ना बॉन्डिंग, सो ये एस पी हाइब्रिडाइज हो जाएगा। जब एक एस होता है और एक पी होता है तो वो 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, तो कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। नाइट्रोजन को देखो तो नाइट्रोजन क्या होगा, वो भी एक s है और p है, क्योंकि ये सारे s और p में है, कोई डी एफ नहीं है, तो ये भी sp है। HCN की बॉन्ड एंगल की बात करें तो HCN के बॉन्ड एंगल के बारे में मैं ये कहूंगा कि बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, लोन पेयर कितना है एक, बॉन्ड पेयर कितना है जी, तो ये 2 बॉन्ड पेयर्स है, ये लोन पेयर्स है, तो ये 180 डिग्रीज का एंगल है आपके पास HCN में, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि सजेस्ट स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन, अज्यूम दैट HCN रिएक्ट्स इन सिमिलर वे टू RCN। जब किसी ग्रुप के साथ CN लगा होता है उसको आप H2 एंड निकल कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन, जब रिडक्शन रिएक्शन करवाते हो, सो RCN को समझो कि ये एक मिथाइल ग्रुप है, तो हम कहते हैं कि क्या बनता है CH3 NH2 हो जाएगा, CN की जगह NH2 आ जाएगा। लेकिन इसी तरह अगर आप रिएक्शन का HCN के साथ करवाओगे तो RCN जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा HCO2H। ठीक हो गया, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब जो है वो हम आगे आते हैं और बात करते हैं कि एडिंग measured quantity of KCN to a solution of NiCl2 produces the complex NiCN2Cl2X. Reduce the overall charge X on this complex to 2-1 है, ठीक है। चार्जिंग करके देख लें कि निकल का कितना है, CN का कितना है, एडिशन करके देख लें -2 आएगा। मैं इतने 1 मार्क क्वेश्चन के लिए मैं इतना टाइम जाया करना चाहता। The complex can exist as two separate isomers with the same geometry. फलाना कॉम्प्लेक्स है द सेम ज्योमेट्री एज NiCN2Cl2, स्टेट द नंबर ऑफ आइसोमर्स दैट वुड सेम ज्योमेट्री, जब उसने कह दिया यानी कि सेम नंबर ऑफ आइसोमर्स की सेम होने हैं तो 2 ही आइसोमर्स होने हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ द आइसोमर्स बनाने हैं तो देखो Ni है, CN है, CN है, Br है, Cl है, Ni है, CN है, और यहाँ पे आपके पास CN है, यहाँ पे आपको Cl है, यहाँ पे आपके पास Br है। बेटा मैं यहाँ पे मैंने गलती की है वो ये वाली है, CN वाली है। यहाँ पे आपने ना अब ये देखना है कि आपका जो निकल बॉन्ड बना रहा है ये नाइट्रोजन के साथ बना रहा है, कार्बन के साथ बना रहा है, ये मैंने जान के गलती की आपको दिखाने के लिए।
समझाने के लिए आपको कि ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो आपने फिर इसको जो है ना वो इस तरह लिखना, आपने इसको एन सी लिखना है, क्योंकि ये निकल कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, ठीक है। सो इस किस्म की छोटी छोटी गलतियां होती है ना, जो कि बहुत एंड में जाके बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। सो उनको अवॉइड करना है, इसलिए मैंने आपको इस तरह आपने लिखना है। कि बहुत से हम जब टेस्ट मार्क्स चेक करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत से लोग इस तरह की गलतियाँ, स्टूडेंट्स की इस तरह की मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, हम तब भी उनको रोकते हैं लेकिन वो रोकते ही नहीं है। अब जो है वो नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं जी, सी पार्ट। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCN इज ग्रेजुअली एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ निकल सल्फेट अंटिल द KCN इज इन एक्सेस। द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस। SO4 है, KCN के साथ रिएक्शन कराया, ग्रीन प्रेसिपिटेट बना, और KCN डाला, येलो सॉल्यूशन डाल दी, और आपने KCN डाला तो आपके पास रेड सॉल्यूशन बन गई। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल डज नॉट चेंज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ठीक है। नन ऑफ सी डी और ई कंटेन सल्फर, चलो ठीक है, ये बात तो हम समझ गए। द के रेशियो एंड द पोटेशियम निकल रेशियो एंड डी इज 2:1, और वहां पे 3:1 है, यानी कि यहाँ पे आपके से ये पता चल गया कि देखो KNi रेशियो डी इज 2:1, तो के 2 है और Ni जो है ना वो 1 है। अब CN आ गया, आपने बताना है कि कितने है। तो C में क्या होगा, सिंपल जब KCN डाला तो Ni और यहाँ पे CN 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे D में हमने ये चीज तो बना ली कि ये फॉर्मूला है K2NiCN, लेकिन कितने CN है, मोर KCN डाल दी तो 4 हो जाएंगे, डबल द अमाउंट हो जाएगी, और फिर इसमें 3:1 है, तो K3NI और CN और फिर 5, 1 मोर ऐड हो जाएंगे KCN इन एक्सेस को रेड करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको देखना है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वो कह रहा है कि स्टेट व्हाट इज मेंट, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द टर्म पार्टीशन कोएफिशिएंट KPC। जी तो KPC क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट इन टू डिफरेंट इमिसिबल सॉल्वेंट्स व्हेन एन इक्विलिब्रियम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। 1 मार्क का आप लिख लेंगे, आई एम श्योर आप लिख लेंगे, नहीं लिख सकते हो तो मैं लिखवा देता हूँ कि द रेशियो ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट इन टू different immiscible solvents when an equilibrium has been established, ठीक है। अब आगे आते हैं, तो अब वो कह रहा है कि KPC निकालें अमोनिया और बिटवीन अमोनिया एंड ट्राईक्लोरोमीथेन एंड वाटर। 2 मिनट्स हैं आपके पास, KPC की वैल्यू निकालें। 2 मार्क का क्वेश्चन, 2 मिनट्स, हरी अप। ठीक हो गया, अब जो है वो मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि NH3 जो था उसके मोल्स कितने हैं, ठीक है। सो उसके जो है वो 0.1 × 12.5/1000, तो आंसर क्या है, 0.125 मोल पर DM³। और अगर NH3 है एडेड है, ये तो वाटर में था, ठीक है, लेकिन अब जो है वो ट्राईक्लोरोमीथेन CHCl3 में, तो ये 0.1 × 13/1000 because it is 25 CM³ of sample है, तो 25 क्या आते हैं, 0.052। अब जो है वो रेशियो फाइंड कर लें, KPC 0.052 मोल पर DM³ में है, ऑफ कोर्स ओवर 0.125, तो आंसर क्या आता है, 0.416। एक कॉमन क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये होता है
कि सर कौन सी चीज ऊपर रखनी है कौन सी नीचे रखनी है, लाइक केपीसी क्या देखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों रेशियो है, ठीक है। डेफिनेशन ही देखो उसमें क्या है कि रेशियो ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट, तो ये रेशियो है, ठीक है सर। माउस स्कीम में उसने आपको ऊपर आके भी दिखाई भी होगी, नीचे रख के भी दिखाई भी होगी, आपने सिर्फ देखना है कि आपने कैसे लिखा है, ठीक है। सो ये रेशियो है, इसमें आप ज्यादा वो नहीं कर सकते कि क्या सीन है। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, तो उसमें वो कह रहा है कि ब्यूटाइल अमाइन ब्यूटाइल अमाइन C4H9NH2 इज आल्सो सॉल्यूड इन बोथ वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, सजेस्ट हाउ द वैल्यू ऑफ केपीसी ऑफ ब्यूटाइल अमाइन बिटवीन ट्राइक्लोरोमीथेन एंड वाटर वुड कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ केपीसी कैलकुलेटेड इन टू, एक्सप्लेन योर आंसर। ये देखो केपीसी जो होगा ना, इट विल बी लार्जर फॉर ब्यूटाइल अमाइन देन फॉर अमोनिया, एस ब्यूटाइल अमाइन के पास क्या होता है, एक हाइड्रोफोबिक ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। सो इसलिए ब्यूटाइल, ठीक है, एल्काइल ग्रुप है पूरा। सो ये आप छोड़ आप खुद भी लिख सकते हैं, मैं आगे चलता हूँ डायरेक्ट। एक्सप्लेन व्हाई ब्यूटाइल अमाइन इज बेसिक, तो यार ब्यूटाइल अमाइन बेसिक इसलिए है क्योंकि उसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर क्या है, कायन नाइट्रोजन के ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, राइट इन इक्वेशन टू शो ब्यूटाइल अमाइन रिएक्टिंग एज अ बेस, तो चलो ये मैं लिख लेता हूँ, C4H9NH2 है प्लस HCl एसिड के साथ रिएक्शन करवाओ, तो C4H9NH3 पॉजिटिव चार्ज प्लस Cl नेगेटिव, सजेस्ट स्टेट हाउ द बेसिसिटी ऑफ ब्यूटेनामाइड कंपेयर्स टू दैट ऑफ ब्यूटाइलामाइड। ब्यूटेनामाइड तो नॉन बेसिक है, ठीक है, न्यूट्रल है, ठीक है, उसकी कोई बेसिसिटी है ही नहीं। स्टेट रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ ब्यूटेनामाइड टू ब्यूटाइलामाइड, तो ये रिडक्शन होनी है, तो LiAlH4 इन ड्राई ईथर, ठीक है, रिडक्शन होनी है बेसिकली। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, 1 पेज का पहला पार्ट जो है वो कह रहे हैं कंप्लीट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ क्रोमियम एटम। बेटा जी क्रोमियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, कॉपर एंड क्रोमियम जो थे दोज वर क्या कहते हैं आप कह सकते हो कि देवर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, एक्सेप्शन थी एक उसमें, ठीक है। सो अब जो है वो हम उसको किस तरह डील करते हैं, तो वो ये है कि देखो आपको लिखवाई भी थी और गई थी, याद कर लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d5, ठीक है। हाँ जी, अब वो कह रहे हैं स्टेट टू हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्रोमियम ओनली सीन इन इट्स कंपाउंड्स, तो +3 है एंड +6 है, ठीक है, यही होता है ना, +3 +6 नहीं होता, अच्छा नहीं होता, होता है। 6 डिफरेंट कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्सेस एच जे के एल एम एन आर फॉर्म्ड व्हेन एन एक्सेस ऑफ एक्वस अमोनिया एक्वस NaOH एंड कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस HCl आर सेपरेटली एडेड टू सेपरेट सॉल्यूशंस कंटेनिंग CO2 पॉजिटिव और कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, स्टेट द कलर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्सेस। तो जी मैं आपको चाहता हूं कि आप रिएक्ट के ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करें और देखें क्या है। जी तो देखो यार H जो है वो क्या है, H जो है वो CO2 पॉजिटिव एक्सेस ऑफ NH3 के साथ बना है, ठीक है। सो ये क्या बना है कोई बता सकता है? हाँ ऑफ कोर्स कोई भी नहीं बता सकता, किसी ने पढ़ा ही नहीं है, कोई पढ़ के ही नहीं आता। CO2 पॉजिटिव जब एक्सेस ऑफ NH3 के साथ बनेगा तो ये जो है ये आपके पास क्या बनेगा, CuNH3 6, ठीक है। सो इसकी जो कलर होती है वो होती है डार्क ब्लू सॉल्यूशन होता है, डार्क ब्लू सॉल्यूशन। के क्या है, CU2 पॉजिटिव HCl के साथ, तो ये CuCl4 2 नेगेटिव है, तो इसका कलर क्या होता है, येलो ग्रीन सॉल्यूशन होती है इसकी,
एक देखा है, इसलिए मैंने आपको कहा था कलर्स याद कर लें कि कलर्स आते हैं। 2 मार्क के उसने सिर्फ कलर्स दे दिए मैडम। अब वो कह रहा है एम CO2 पॉजिटिव का NaOH के साथ क्या जी कलर है, CO और NaOH के साथ, तो ये COOH2 बनेगा, COOH2 बनता है और इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लू प्रेसिपिटेट। ये लाइट ब्लू या पेल ब्लू, लाइट ब्लू सा होता है, सो हम लिखते हैं कि ब्लू प्रेसिपिटेट है। ठीक है, इस एच की तरह का डार्क नहीं होना लेकिन उससे कम, तो हम ब्लू लिख देते हैं। ब्लू इज मोस्ट अप्रोप्रिएट क्योंकि मैंने नोट्स में ब्लू लिखवाया है। राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्सेस एल और एन। एल क्या है जी, CO2 पॉजिटिव जब NH3 एक्वस के साथ मिलता है तो ये आपके पास CONH3 6 2 पॉजिटिव बनाता है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे CONH3 6 2 पॉजिटिव। अच्छा एन क्या है जी, एन जो है वो CO2 पॉजिटिव एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ HCl, तो ये CO Cl4 2 नेगेटिव। ठीक है, ठीक हो गया। सो ये जो थे ये इसके फॉर्मूला से। स्टेट द अपीयरेंस ऑफ कंपाउंड जे, तो कंपाउंड जे जो है वो क्या है, CO2 पॉजिटिव NaOH के साथ जब मिलता है तो ये क्या बनाता है जी, CO2 पॉजिटिव जब NaOH के साथ आता है तो वो CuOH2 बनाता है जिसका जो कलर होता है वो लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, सो हम लिखते हैं यहाँ पे कि इट इज अ लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट, लाइट ब्लू पेल ब्लू दोनों ठीक है, लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये भी दोबारा इलेक्ट्रोलिसिस के रिलेटेड ही आ गया है। नेम कंपोनेंट एक्स जो है वो क्या होगा, देखो ये रेजिस्टर लगा हुआ है, पावर सप्लाई वोल्ट मीटर है तो ये एम मीटर होना चाहिए, सो वी से दैट इट इज एन एम मीटर। जस्ट टू सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट वाई जी, तो ये सिल्वर के इलेक्ट्रोड हैं तो जो इलेक्ट्रोलाइट भी होना चाहिए वो कुछ सिल्वर रिलेटेड होना चाहिए, तो आप हम लिख देते हैं कि यार जो होगा वो होगा AgNO3। ठीक है, नेक्स्ट को पार्ट देखिए, ये थोड़ा सा क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस है, तो यहाँ पे ये कहते हैं एक्सपेरिमेंट करंट ऑफ 0.2 एम्पीयर वाज पास्ड थ्रू सेल फॉर 40 मिनट्स, द मास ऑफ सिल्वर कैथोड इंक्रीज बाय 0.5 ग्राम, द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर डिपॉजिट जी, कितने ग्राम था 0.5, तो नंबर ऑफ मोल्स NaG लिखते हो और वो था, चलो इस तरह नहीं लिखते हम, नंबर ऑफ मोल है तो एक मोल में जो है वो हमारे पास 107.9 था, तो एक्स मोल होंगे तो 0.500 ग्राम होंगे, तो एक्स का आंसर क्या आना है 4.6 × 10⁻³ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ कूलम्स ऑफ चार्ज पास, तो क्यू इज इक्वल्स टू आई टी करेंगे, करंट क्या है 0.200, टेम्परेचर टाइम सॉरी टी टाइम है 40 × 60 सेकेंड में लिखना है, क्या आंसर आता है 480 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड, सो इसको हम किस तरह करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Q इज इक्वल्स टू एन ई, एक फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, तो 480 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू 1.6 × 10⁻¹⁹ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 3 × 10⁻²⁰ है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ सिल्वर एट द कैथोड, तो ये 4.6 × 10⁻³, तो इसको हम इस तरह करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ये हमने निकाले ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर, तो इलेक्ट्रॉन्स के मोल्स कितने हैं 3 × 10⁻²⁰ हमने निकाले, उसके हमने 4.6 × 10⁻³ थे, तो आंसर क्या आया 6.5 × 10⁻²³ जो है वो आपका आंसर आया, और ये सारा प्रोसेस जो था ये 3 मार्क्स का था। ठीक है, ठीक हो गया, अंडरस्टूड, बहुत हो गया, ठीक हो गया, बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया। अब जो है वो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, विच इज ऑल्सो अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, इसको जरा पढ़िएगा जरा तो देखिएगा कि क्या कहता है।
जी तो देखिएगा कि एडिशन पॉलीमराइजेशन करेंगे जब इस कंपाउंड की, ये कौन सा कंपाउंड है, प्रोपीन है, तो इसकी जब एडिशन पॉलीमराइजेशन करेंगे तो हम इसको स्केलेटल फॉर्मूला में शो कर देता हूँ, 1, 2, 3, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, और ये जो है ना ये इस तरह इसके ब्रैकेट्स आ जाएंगे, ब्रैकेट्स बहुत ही डिंगे से बनेंगे, तो हम जो है इस तरह बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया। इस कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करेंगे जब इस कंपाउंड की, यानी कि एस्टरीफिकेशन होगी, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, तो इसका जो कंपाउंड है वो हम बनाते हैं, 1, 2, 3, 4 ओ आ जाएगा, फिर 1, 2 ओ आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, ठीक है। सो ये इसकी जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगी, साथ आपके पास वाटर मॉलिक्यूल भी निकलेगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं सजेस्ट द साइन ऑफ द एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस फॉर ईच ऑफ द टू टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, एक्सप्लेन योर फॉर योर डेल्टा एस फॉर एडिशन पॉलीमराइजेशन। सो हम कहते हैं कि यार जो एंट्रोपी चेंज है डेल्टा एस नॉट विल बी नेगेटिव एस मेनी गैस मॉलिक्यूल्स, आर कंबाइनिंग कंबाइनिंग टू फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एडिशन पॉइंट, कंडेंसेशन में क्या होता है कि हम कहते हैं डेल्टा एस नॉट इज लाइकली टू बी पॉजिटिव एस ईच पेयर पेयर ऑफ मोनोमर जॉइंस टू फॉर्म वाटर, ठीक हो गया। तो इस तरह आपने लिखना है। अब आगे आते हैं, वो कह रहे हैं कि एन अमाइड बॉन्ड व्हेन अ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद एन अमाइड, कंप्लीट द इक्वेशन बाय राइटिंग द प्रोडक्ट्स इन द बॉक्स। तो अमाइड बॉन्ड बनाना है, सो हम कहते हैं कि आर है, सी डबल बॉन्ड ओ है, एन है, एच है, और आर डैश है, प्लस H2O। ये प्लस छोटा सा उसमें लिखा हुआ है, बहुत से स्टूडेंट्स को शायद ये नजर ही ना आए और वो वाटर लिखेंगे ही नहीं और फिर उनके मार्क्स कट जाएंगे। हे, ये देखो एग्जामिनर के तरीके हैं आप लोगों को फांसने के। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, यूज योर आंसर टू वन टू वर्क आउट द बॉन्ड्स दैट आर ब्रोकन एंड द बॉन्ड्स बॉन्ड्स दैट आर फॉर्मड ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन कार्बन। बॉन्ड्स दैट आर ब्रोकन, जी कौन सा बॉन्ड ब्रोक होता है, ब्रेक होता है, सी ओ बॉन्ड एंड एन एच बॉन्ड। बॉन्ड्स दैट आर फॉर्म्ड सी एन बॉन्ड एंड ओ एच बॉन्ड, ठीक है। यूज बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज फ्रॉम डेटा बुकलेट टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच व्हेन वन मोल ऑफ अमाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन इन वन। बॉन्ड्स दैट आर ब्रोकन, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या एनर्जी चेंज हुई है, और यहाँ पे लिखते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग, फॉर्म बॉन्ड फॉर्म कौन से, सी एन और ओ एच। सो अब इधर देखते हैं कि सी एन और ओ एच के बॉन्ड जो है वो टूटे हैं, तो क्या एनर्जी रिलीज हुई है, जी ये सी एन बॉन्ड 305, फॉर्मेशन 305 प्लस ओ एच, ये 460 बॉन्ड ब्रेकिंग, सी ओ बॉन्ड 360, और कौन सा बॉन्ड है, NH 390। तो 360 प्लस 390। सो अब डेल्टा H फाइंड करते हैं तो क्या आंसर आता है, इसका क्या आंसर आया, 765, इसका आंसर आया 750। तो 765 750 माइनस 765 आंसर आता है -15, तो -15 किलो जूल
डेल्टा एच की वैल्यू है। अब वो कह रहा है कि मिनिमम एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस निकालो, तो डेल्टा एस के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे डेल्टा एस नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच ओवर टी। डेल्टा एच इज माइनस 15, नो डेल्टा एच नॉट माइनस 15, 6 किलो जूल पर मोल, तो माइनस 6000 है और टेम्परेचर क्या है 298 केल्विन। तो फाइंड करें क्या आंसर आ रहा है, माइनस 20.1 जूल पर केल्विन मोल, माइनस 20.1, ठीक हो गया। सो ये इस तरह इसको आपने देखना है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं जी। सो इसको थोड़ा सा जरा पढ़िएगा, वो कह रहे हैं द रिपीट यूनिट ऑफ द पॉलीएमाइड केवलार इज शोन, द मोनोमर ऑफ केवलार बेंजीन 1,4-dioic एसिड एंड 1,4-diamino बेंजीन कैन बी सिंथेसाइज्ड एज फॉलोस, स्टेट द रिएजेंट्स एंड कंडीशंस नीडेड फॉर रिएक्शन 1। रिएक्शन 1 में क्या हो रहा है जी, आप CH3 को CO2H रिडक्शन हो रही है, सो हम कहते हैं कि 10 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, सॉरी नहीं, ऑक्सीडेशन हो रही है भाई, हीट विद कॉन्सेंट्रेटेड, खाली हीट, सिंपल हीट विद कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4। रिएक्शन 2 में जो है वो नाइट्रोबेंजीन जो है, ठीक है, जो 1,4-diaminobenzene कैन बी सिंथेसाइज्ड एज फॉलो, 1,4-di नाइट्रोबेंजीन से बन रहा है, NO2NH2 हो रहा है, इसको हम कहते हैं कि 10 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, हीट अंडर रिफ्लक्स, अंडर रिफ्लक्स फॉलोड बाय NaOH, बाय NaOH, ठीक है, फॉलोड बाय NaOH लिखना लाजमी है, ठीक है, इस उसके दूसरा मार्क है ही उसका, ठीक है। अब वो कह रहे हैं केवलार इज बोथ स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड, कंप्लीट द टेबल टू आइडेंटिफाई टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड द ग्रुप्स इन्वॉल्व्ड व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर दिस प्रॉपर्टी ऑफ केवलार। सबसे पहले हम कहते हैं यार यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो होगी, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कौन से ग्रुप्स इन्वॉल्व है केवलार में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हम कहते हैं कि ये देखो ये NH है, ठीक है, यहाँ पे ये CO है, ठीक है, ये दोनों ग्रुप्स है ना, बिल्कुल है। सो ग्रुप या ग्रुप तो हम लिखते हैं NH एंड C(O)। दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो नॉर्मल वैंडरवाल फोर्सेस या IDID फोर्सेस, तो हम लिखते हैं कि वैंडरवाल फोर्सेस आर प्रेजेंट, ठीक है। तो उस वो वैंडरवाल फोर्सेस जो है वो कहाँ पे होनी है, वो होंगी आपके पास बेंजीन में, ठीक है। सो आप लिखते हो यहाँ पे बेंजीन, ठीक है, हाँ जी, ओके हो गया, ठीक हो गया। तो ये ग्रुप्स इन्वॉल्व है, वैन डर वाल फोर्सेस बेंजीन में होंगे ना, और तो कोई ग्रुप है ही नहीं जहाँ पे वैन डर वाल फोर्सेस हम कह सकते हैं। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। अब वो कह रहा है क्यूमिन इज अ स्पाइस यूज्ड टू फ्लेवर फूड, टू कंपाउंड्स रिस्पांसिबल फॉर इट्स फ्लेवर्स आर क्यूमिन एल्डिहाइड एंड क्यूमिनाइल अल्कोहल, रिड्यूस द नंबर ऑफ पीक्स दैट विल बी प्रेजेंट इन द कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ क्यूमिनाइल अल्कोहल। कार्बन 13 की तरफ आते हैं, एनएमआर जहाँ पे ये लिखे हुए हैं, जी है कार्बन 13। अच्छा अब देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास कितनी पीक्स आ रही है। पहली पीक जो है वो COH की आएगी, ठीक है। देखो एक पीक आएगी एल्काइल की, आएगी बिल्कुल आएगी एल्काइल की, एक पीक आ गई। दूसरी पीक आएगी नेक्स्ट टू एल्कीन या एरीन, इसकी पीक भी आएगी, ठीक है, क्योंकि बेंजीन ग्रुप ही है, बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तीस पीक नेक्स्ट टू कार्बोनाइल या कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिल है नहीं, कार्बोक्सिलिक नहीं है, तो इसकी पीक नहीं आएगी, ठीक है, क्रॉस नहीं करते, मैं टिक ही नहीं करता। फिर नेक्स्ट टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी नहीं है, नेक्स्ट टू क्लोरीन, क्लोरीन भी नहीं है, नेक्स्ट टू ऑक्सीजन CH2OH, ये देखो CH2OH ये है, बिल्कुल है, ये नहीं है,
आ गई। फिर एल्कीन और एरीन की पीक, ये इसकी भी आएगी क्योंकि ये पूरा बेंजीन रिंग बना हुआ है भाई। फिर कार्बोक्सिल की, कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं है। कार्बोनाइल की, कार्बोनाइल भी नहीं है। एल्काइन की, एल्काइन भी नहीं है। नाइट्राइल की, नाइट्राइल भी नहीं है। ठीक है, तो ये कितनी पीक्स हो गई, 1 2 3 4, 4 पीक्स हो गई है। अब आप स्ट्रक्चर की तरफ देखें और सोचें कि और कई पीक आएगी। ये तो चार बेसिक हमने बात की ना अब, लेकिन इसके अलावा मल्टीपल पीक्स आ जाएंगी। ठीक है, इसी की ही मल्टीपल पीक्स आएंगी। कैसे आएंगी, देखो ये जो बेंजीन था इसके हमने कहा कि एक पीक तो आनी नहीं है। ठीक है, इसकी कितनी पीक्स आनी है, इसकी मल्टीपल पीक्स आनी है, क्योंकि एनवायरमेंट डिफरेंट है। एक एनवायरमेंट ये, एक एनवायरमेंट ये, और एक एनवायरमेंट ये। तो ये 1 2 3 चार, चार एनवायरमेंट तो सिर्फ इसके हैं। ठीक है, सो बेसिकली इसके 4 पीक्स, इसकी 1 पीक, इसकी 1 पीक और इसकी 1 पीक, तो 4 4 5 6 7, तो 7 पीक्स जो है वो आपके पास हमें मिल रही होंगी। ठीक है, क्योंकि बेंजीन की 4 पीक्स आनी है क्योंकि 4 डिफरेंट एनवायरमेंट्स हैं कार्बन के। अब वो कह रहा है आइडेंटिफाई 2 बॉन्ड्स दैट आर रिस्पांसिबल फॉर द डिफरेंस इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा ऑफ क्यूमिनाइल एल्डिहाइड एंड क्यूमिनाइल अल्कोहल एंड स्टेट देयर अब्सॉर्प्शन रेंजेस। तो यार देखो, सबसे पहली बात ये कि अब मैं इसको अरेज करता हूँ। सबसे पहली चीज जो हमारे पास आनी है वो ये सी डबल बॉन्ड ओ है, और इसकी जो है वो सी ओ एच है। सो बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंस, सबसे पहले सी डबल बॉन्ड ओ और दूसरा ओ एच। तो सी डबल बॉन्ड ओ की पीक कहाँ पे होती है, 1672-1740 सी एम नेगेटिव, और इसकी 3200 से 3600 तक। ठीक है, अब जो है वो हम अगली बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, और वो ये है जी। शुक्र है अब ऑर्गेनिक का कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया जिसको करने में भी मजा आता है। इसको जरा आप 2 मिनट लेके जरा सॉल्व करें, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे। अच्छा जी, पहले वाले में क्या हो रहा है, बेंजीन था उसकी एल्काइलेशन हो रही है। सो हमने क्या ऐड किया, हैलोजन और एल्केन और AlCl3 एज कैटलिस्ट। तो CH3 नहीं लिखते हम, पूरा मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख देते, C3H6Cl प्लस AlCl3 एज कैटलिस्ट। ठीक है, एंड हीट रिएजेंट एंड कंडीशन उसने मांगी है। स्टेप टू में क्या हो रहा है, ये वाला आ रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, एसाइल क्लोराइड। तो CH3COCl प्लस AlCl3 एस कैटलिस्ट एंड हीट। स्टेप नंबर 3, इसको CO2H कर दिया, यानी कि आपने NaOH प्लस I2 देन H पॉजिटिव। स्टेप नंबर 4, OH कर दिया। सो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया, हमने रिडक्शन की है। सो LiAlH4 इन ड्राई ईथर, ठीक हो गया। सो ये इसकी 4 कंडीशंस थी। टाइप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ स्टेप 2 एंड टाइप ऑफ रिएक्शन स्टेप 2। स्टेप 2 जो था वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और रिएक्शन इन 4 ये जो था ये रिडक्शन है। ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक हो गया। अब जो है वो हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारे पास, जी क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा जरा। अच्छा यार, इसमें कह रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड एफ रिएक्ट, तो कह रहा है कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री से ये बेसिकली क्वेश्चन है। तो उसमें कह रहा है कि
एक्सप्लेन यू शो हाउ द मास स्पेक्ट्रम ऑफ शो द मॉलिक्यूल कंटेन सेवन कार्बन एटम्स. ठीक है, सो यार हम ये कहते हैं कि देखो एन इज इक्वल्स टू 100 ओवर 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 8 ओवर 100. क्या आंसर आता है? 7.3. सो ये सेवन कार्बन एटम्स, ठीक है, राउंड ऑफ करके सेवन कार्बन एटम्स शोन. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फ्रेगमेंट जी, तो ये C7H7 पॉजिटिव. सजेस्ट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एफ एंड जी, तो C7H6O और ये C14H12O2. सजेस्ट द स्ट्रक्चर्स फॉर कंपाउंड एफ एंड जी, सो एफ की क्या स्ट्रक्चर होगा? यहाँ पे बेंजीन रिंग होनी है, ये हो गया, एच है और डबल बॉन्ड ओ है. ठीक है, जी में क्या होगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ है, एच है, सॉरी ऐसे एच है, ऐसे एच है, देन आपके पास ये ऐसे बंद हो जाएगी. ठीक हो गया. अब जो है वो पार्ट नंबर 5 जो है वो क्या कहता है कि ऑन द स्ट्रक्चर यू हैव ड्रॉन इन फोर सर्कल द प्रोटॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एच एम पीक्स एट 10 एंड एफ इन जी. तो जी उधर से देख के बताओ कि 10 और एच की पीक जो है वो आपको कहाँ पे जो है वो नजर आनी है. जी, सो एक पीक जो है जो इसमें एच की ये वाला और इसमें जो है एक ये वाला और एक ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होंगे. आगे चलते हैं, टाइम हमारा इतना नहीं है, जल्दी से फिनिश करते हैं. स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट जी हीटेड विद एल्यू, तो यार हाइड्रोलिसिस होना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टिंग है. वो कह रहा है कि डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द रिलेटिव एसिडिटीज ऑफ बेंजोइक एसिड, फिनाइल मेथानॉल एंड 4-मिथाइल फिनोल. जी, तो रिलेटिव एसिडिटीज एक्सप्लेन करना अगर मैं आपको चाहूँ तो मैं इतना कहता हूँ कि देखो सबसे एसिडिक, मैं लिखने नहीं वाला, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करता हूँ, आप सुन लीजिए. सबसे एसिडिक जो है वो बेंजोइक एसिड है, उसके बाद मिथाइल फिनोल है, उसके बाद फिनाइल मेथानॉल है. ठीक है, अब होता ये है कि देखो जब इसकी डिसोसिएशन वगैरह की इक्वेशन लिखेंगे तो मिथाइल फिनोक्साइड एनायन जो है इट हैज डीलोकलाइज्ड लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन ओ एटम ओवर द रिंग. ठीक है, लोन पेयर है उसके पास. बेंजोइक एसिड जो है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है. ठीक है, बेंजोइक एसिड के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, या हम कह सकते हैं कि जो बेंजोइक एसिड के अंदर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो वो ग्रुप्स खींचता है, जिसकी वजह से ओ एच बॉन्ड जो है वो ज्यादा आसानी से टूटता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा एसिडिक हो जाता है. ठीक है, तो ये इस तरह जो है ना वो इसकी रीजनिंग आपने लिखनी है 3 मार्क्स में. ठीक है, अब जो है वो इस पेपर का आखिरी पार्ट है वो ये है कि द एस्टर 4-मिथाइल बेंजोएट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ परफ्यूम्स. सजेस्ट दिस 2-स्टेप रूट फॉर द सिंथेसिस ऑफ 4-मिथाइल फिनाइल बेंजोएट फ्रॉम 4-मिथाइल फिनोल एंड बेंजोइक एसिड. सबसे पहला जो स्टेप वन है मैं आपको ऐसे लिख के बताता हूँ. स्टेप वन जो है वो है कि आपके पास ये बेंजोइक एसिड है COOH प्लस SOCl2 C डबल बॉन्ड O Cl. ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा. ठीक है, C6H5COCl बन जाएगा. दूसरा स्टेप टू में आपने फिर ये करना है कि आपके पास होगा यहाँ पे OH आना है, यहाँ पे OH होगा और आपने इसको NaOH के साथ रिएक्ट करवाना है जो प्रोडक्ट बनेगा, एंड देन शेक विद बेंजोइल क्लोराइड. बेंजोइल क्लोराइड कहाँ है भाई? ये बेंजोइल क्लोराइड है. ठीक है, सो इसके साथ आप शेक कराएंगे तो आपके पास एस्टर बन जाएगा 4-मिथाइल फिनाइल बेंजोएट. ठीक हो गया, तो ये जो था स्वेस, ये आज का पेपर 4 का पेपर था. आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा तरीके से इसको समझ आ गया होगा. ये थोड़ा सा जरा छोटा था,
आई थिंक क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 9 क्वेश्चन थे, अब यूजली 10 क्वेश्चन आ गए हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा टाइम से पहले भी जल्दी हो गया है, लेकिन मोस्टली अभी तो हमने जल्दी कर लिया है लाइक 1 आवर 10 मिनट्स में, लेकिन जब आप जो है वो अपना एग्जाम में बैठे होंगे तो आप देखेंगे कि आप प्रॉपर टाइम में कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम प्रेशर होता है और आप में और भी बहुत प्रेशर्स होते हैं जिसकी वजह से आप जल्दी यूजली पेपर नहीं कर पाते। ठीक हो गया, सो यहाँ पर आज जो है वो हम अपना लेक्चर पेपर ख़त्म करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में अच्छे तरीके से बहुत सबसे पहले इत्तला मिल सके। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदोनों आखिर लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।